नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बाय देव में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 मिनट में बनने वाली हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ब्रेड अंडा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पीस ब्रेड ले लिया है और 1 मीडियम अकार का प्याज, 1 मीडियम अकार का टमाटर और 1 अंडा लिया है। सामग्री आप अपने आवश्यकता के अनुसार ले। अंडे को मैंने इस प्याले में इस तरह फोर कर ले लिया है। स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, प्याज, टमाटर, थोड़ा सा हरा धनिया। अब सारे सामग्री को अंडे के साथ में अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहते हैं उसमें काली मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो जी, आप देख सकते हैं हमारे अंडा जो है अच्छे से फेंट कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है और हमने गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच मक्खन। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल का। मक्खन को पूरे तावे में अच्छे से फैला देना है ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल चिपके ना। मक्खन अच्छे से पिघल चुके हैं। अब हमने जो ब्रेड लिया था उसे इस तरह डुबो देंगे और तावे पर रख देंगे। ऊपर से हम थोड़ा इस तरह से डाल देंगे। सेम तरीके से दूसरे ब्रेड को भी कर लेनी है। गैस को हमने इस टाइम मीडियम टू लो के बीच में रखे और इसे हम एक बार जो है पलट देंगे। जो मिश्रण है उसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। और अगर आपका मिश्रण बच जाता है ना तो फिर आप उसका जो है अलग से इसी मिश्रण का ऑमलेट बना सकते हैं। हमने नाश्ते को अलट पलट कर 2 से 4 मिनट के बीच में पका लिया है। आप देख सकते हैं नाश्ते का कलर जो है, यानी कि हमारा जो नाश्ता है ये बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या फिर किसी भी टाइम बच्चों को दे सकते हैं। ये नाश्ता काफी ज्यादा सॉफ्ट